हृदय पहनंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। क्या सचमुच में भारत वर्ष में जातीय समीकरण राजनीति के द्वारा जाति समाप्त हो जाएगा? क्या जाति समीकरण राजनीति में अनुवादी बोखला गए हैं? हाँ जी, उत्तर प्रदेश पे बहन मायावती जी, बसपा का जो रणनीति है राजनीति धुरंधर को चिंता में डाल दी है। बाबा साहेब अंबेडकर का दिशा निर्देश पालन करते हुए, दादा साहेब कांचीराम का पद चिन्ह पर चलते हुए बहन मायावती जी ने टुकड़े टुकड़े में डिवीजन होने वाले हर कोई कम्युनिटी को जोड़कर उत्तर प्रदेश में 2022 इलेक्शन को मजबूत करने के लिए अपना तैयारी वो कर चुकी है, जो जमीनी स्तर पर ये देखने के लिए मिल रहा है। हजारों सालों से शूद्रों को टुकड़े टुकड़े करके 6,000 से ज्यादा कम्युनिटी में, कास्ट में डिवीजन कर दिए हैं। वो टोटल कम्युनिटी को जोड़ते हुए बहन मायावती जी जो सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में कर रही है, ये सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी हैरान है। समाजवादी पार्टी का धड़कन बढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव ये डिक्लेयर करते ही वो 400 सीट में जीत रहे, मतलब यूपी में टोटल सीट है 403। तीन सीट किसके लिए छोड़ दिए मुझे पता नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी ये डिक्लेयर कर रहे हैं मंडल और कमंडल का, कमंडल को छोड़कर मंडल का रथ पर सवार होकर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन को क्रॉस करने के लिए, उत्तर प्रदेश इलेक्शन का को पारी करने के लिए जो बीजेपी का जो प्लान है, आप हैरान हो जाएंगे। जो पार्टी उनका जिंदगी भर मंडल का विरोधी था, कमंडल को सपोर्ट कर रहा था, आज उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी वाले कमंडल को छोड़ चुके हैं और मंडल का राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए अभी उनका मंत्रिमंडल विस्तारण में यह पता चलता है, जाति का समीकरण करके उनका मंत्रिमंडल बनाया जाता है, शेड्यूल कास्ट को वहां लिया जाता है, शेड्यूल ट्राइब को लिया जाता है, ओबीसी को भी वहां लिया जाता है, ये तो ये ब्राह्मण को भी जगह मिलता है। मतलब क्या है, जो पार्टी कट्टर कट्टर धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला पार्टी आज मंडल का ऊपर क्यों, मंडल को क्यों एडप्ट कर रहा है? ये बात उत्तर प्रदेश का हर कोई शूद्र समझ में आ चुका है, हर कोई शूद्र इनको जान चुके। टचेबल शूद्र और अनटचेबल शूद्र, उत्तर प्रदेश का अनटचेबल शूद्र का वोट कहीं पर डिवीजन होने वाला नहीं है। अनटचेबल शूद्र का वोट बसपा का ऊपर 1% भी, 0% भी माइनस, 0.1% भी माइनस होने वाला नहीं है, क्योंकि अनटचेबल शूद्र जान चुके हैं, इसलिए ये उनका वे लोग बसपा को समर्थन कंटिन्यू देते रहेंगे। अभी योगी जी का जो मंत्रिमंडल विस्तारण, उत्तर प्रदेश का टचेबल शूद्र को मालूम हो चुका है, इसीलिए टचेबल शूद्र और अनटचेबल शूद्र का साथ साथ ब्राह्मण का गठबंधन भी यहां हो रहा है। जो सामाजिक गठबंधन बहन मायावती जी कर रही है, इनको देखते हुए दोनों सियासी दल जैसे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गया है। बीजेपी चाहे जितना भी जोर लगा के देखिए, सच सामने आ जाता है। लोग उत्तर प्रदेश में कोविड-19 पीरियड में जो दुख झेले हैं, अब सबको पता है। खोले मैदान में मां बच्चा पैदा करती है, खोले मैदान में पेशेंट का इलाज होता है और मर जाते हैं, वहां मेडिकल फेल है। डेड बॉडी गंगा का किनारे में तैरते दिखाई देता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रोब अभाव होता है, बेरोजगारी लोगों को झेल रहा है। उत्तर प्रदेश का फार्मर टेंशन में है और स्ट्राइक पर है। जितने भी जोर लगा के देखे,
योगी जी उत्तर प्रदेश में उनका सत्ता गवाना पड़ रहा है 2022 इलेक्शन में। सरकारी अपनी कामयाबी को छुपाने के लिए, नाकामयाबी को छुपाने के लिए और कामयाबी को दिखाने के लिए 1500 करोड़ रुपया सालाना खर्चा कर रहा है एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन रिक्त हुए खाली पद को भरने के लिए गवर्नमेंट का पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट का ये रवैया लोगों को भरी भांति मालूम हो चुका है। इसीलिए 2022 इलेक्शन को नजर में रखते हुए सियासी दल, खास करके मनुवादी पार्टियां जो गेम खेल रहे हैं, जय भीम का नारा ले रहे हैं, उसके साथ साथ कमंडल को छोड़कर मंडल का ऊपर सवार हो रहे हैं, आपको ये पंजाब में देखने के लिए मिलेगा। पंजाब में सिर्फ इलेक्शन 3 महीना बचा है, 3 महीना के लिए दलित प्रधानमंत्री, दलित सीएम बनाया जाता है। क्या ये दलितों को इस्तेमाल कर रहे हैं? साथियों, सदियों से दलितों को इस्तेमाल कर रहे, वोट राजनीति कर रहे मनुवादी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी बहुत यूज किया है। दादा साहब कांशीराम और बहन मायावती जी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए भारत वर्ष में, क्योंकि ये लोग घूम घूम कर दलितों को जगाए। जिस दिन दलित जगे, दलितों का वोट बैंक बसपा की तरफ बढ़ गया, कांग्रेस अपने आप फिनिश हो गया। बीजेपी का राम मंदिर खेल खत्म हो चुका है। जब तक वो राम मंदिर का ड्रामा चल रहा था, बीजेपी मजबूत हो रहा था। वर्तमान तारीख में राम मंदिर का खेल खत्म है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया उनका वर्डिक्ट दे चुका है और मंदिर के लिए भी करोड़ों रुपया चंदा कर चुके हैं, इसीलिए मंदिर का नारा अब बंद हो चुका है। तो बीजेपी उनका रंग बदल रहा है, कमंडल को अब त्याग करके मंडल का पीछे भाग रहा है, तो आप लोग समझ जाइए। और बीजेपी भी अब जय भीम का नारा बोल रहा है भारत वर्ष में। अखिलेश यादव जी भी अंबेडकर का नाम ले रहे, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम, जो खुद रूढ़िवादी व्यवस्था में डूबता है। आप ऐसे लोगों को जो फूल चढ़ाया तो अंबेडकरवादी कैसे बन जाएगा? पंजाब में जो छटपटाहट है, जो घबराहट है, कांग्रेस का घबराहट देखने से मिल रहा है। यूपी में बीजेपी का धड़कन ज्यादा तेज हो चुका है। ये कमाल दादा साहब कंशीराम और बहन मायावती जी का कमाल है। सोशल मीडिया और मेन मीडिया, बहुत सारे मनुवादी मीडिया ये कहते हैं बसपा में और कोई लीडर दिखाई नहीं देता। अरे हमारा लीडर तो बहन मायावती जी है, हमारा लीडर दादा साहब कांशीराम है, हमारा लीडर बाबा साहेब अम्बेडकर है, बहन मायावती जी हमारा लीडर है आज की तारीख में, और वो हमारा समाज को रिप्रेजेंटेटिव करती है, हमारा 85% लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं लीडर नहीं है, लीडर तो हमारा पूर्व जो जब कब से है, हम इन लोगों को लीडर मानते हैं। इसीलिए बसपा आज का तारीख भारत में उभर रहा है, ये उभरते हुए सितारा है। चाहे मनुवादी जितना भी जोर लगा के देखे, उत्तर प्रदेश में बहन जी का सोशल इंजीनियरिंग बढ़िया काम में आ रहा है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर को सपना को पूरा करना है, आर्टिकल 14 को लागू करना है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को पालन करना है। इनको देखते हुए, नजर में रखते हुए बहन मायावती जी सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया करके हर कोई छोटा छोटा कम्युनिटी का साथ गठबंधन कर रही है। भारत का संविधान वही तो चाहता है, जात पात विनाश करो, भाईचारा एस्टैब्लिश करो। जब सोशल इंजीनियरिंग कामयाब हो जाता है, कास्टिज्म अपने आप फिनिश हो जाता है। बड़ी खुशी की बात यह है, उत्तर प्रदेश का अनटचेबल शूद्र और टचेबल शूद्र दोनों का गठबंधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश का ओबीसी खुद को शूद्र समझ चुका है, इसीलिए ओबीसी बसपा छोड़ चुके, समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, समाजवादी छोड़कर वो बसपा में शामिल हो रहे हैं। धर्म का भूत लोगों का दिमाग से उतर चुका है।
क्योंकि धर्म से कुछ मिलने वाला नहीं है, राजनीति से, गणतांत्रिक प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से लोगों का भलाई होने वाला है। ये बात भलीभांति यूपी का लोग जान चुके हैं, इसीलिए सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया के लिए यूपी में जाति का विषाद पर जाति का गठबंधन हो रहा है, जाति आधार पर समीकरण हो रहा है। इसमें बीजेपी हैरान है। जब बसपा प्रभुत्व सम्मेलन करने लगा, उनको नकल करते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने वो भी प्रबुद्ध भारत प्रबुद्ध सम्मेलन किए, लेकिन वहां लोग 50 से 60 लोग, ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को भी इकट्ठा कर नहीं पाए। इसमें यह प्रतीत हो रहा है बीजेपी उत्तर प्रदेश में डूब चुका है। समाजवादी पार्टी जितने भी जोर लगाए वो कभी भी आगे आने वाला नहीं है। साथियों, यूपी का 403 सीट से लगभग 300 सीट बहुजन समाज पार्टी का खाते पर आ रहा है। मनुवाद मीडिया, गोदी मीडिया जितना भी छुपाने के लिए कोशिश कीजिए, ये छुपने वाला नहीं है। सोशल मीडिया में ये सामने आ रहा है। और एक बहुत बड़ा मजेदार बात है, बसपा कभी भी सोशल मीडिया को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन 2022 यूपी इलेक्शन के लिए बसपा का सोशल मीडिया वर्तमान तारीख में यूपी में नंबर अव्वल नंबर है। बहन मायावती जी ज्यादा सक्रिय बन चुकी है, दिन में 18 घंटा वो मेहनत कर रही है इस समाज को जगाने के लिए, जाति समीकरण को बदल करने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग को यूपी में मजबूत करने के लिए, जात पात मिटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बहन जी का जो संघर्ष है वो देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं, बहन मायावती जी अपने महल से नहीं निकलती, ये गलत बात है। बहन जी का तन मन धन महल से निकल चुका है। उनका जिंदगी का हर दिन का जो 24 आवर है, 24 आवर में से 18 घंटा समाज के लिए वो खुद को उत्सर्गित कर देती है। हमें दिखाइए ऐसा एक महिला का नाम जिन्होंने 21 एज में अपना घर बार छोड़कर समाज के लिए काम किए, एग्जाम्पल दिखा दीजिए, आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मनुवादी लोग, शबर्ण मानसिकता का लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उसपे हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। डटकर हम लोग राजनीतिक प्रक्रिया में अंशीदार लेना चाहिए, बाबा साहेब अंबेडकर का सपना को पूरा करने के लिए हाथ का निशान पर ही वोट दे देना चाहिए, ताकि हमारा नस्ल बच सके। हम हुक्मरान बनेंगे तो हमारा नस्ल खुशी का जिंदगी जिएगा, भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा, भारत में रहने वाले तमाम शूद्र टचेबल अनटचेबल शूद्र का बीच में भाईचारा पैदा होगा, नफरत मिट जाए। तो आइए उत्तर प्रदेश चुनाव में हम सब लोग मिलकर बसपा का हाथ को मजबूत करेंगे, हाथी का ऊपर हाथी का निशान पर वोट देकर हमारा लोगों को हुक्मरान बनाएंगे और देश का संविधान को बचाएंगे। थैंक यू। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।